नमस्कार दोस्तों, मैं शैलक सरी, आप देख रहे हैं हमारे यूपी लाइव पंडित। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ खासकर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां पहली बरसात बनी काल। कच्ची दीवार गिरने से दो मासूम बच्ची की हुई मौत। अमेठी थाना मुंशीगंज गांव सरिया खेमा गांव के कुटिया गांव में दीवार गिरने से दो मासूम बच्ची की हुई मौत। मृतक बच्चे मोहम्मद सैफ पुत्र रशीद उमर 11 वर्ष, मोहम्मद फरहान रमजान फैजाबाद जुगैया गाँव से अमेठी कुटिया ने निहाला आए थे, जहाँ दो बच्चों की मौत हो गयी। वही आफ्ताब पुत्र वकील की हालत नाजुक दिखाई, संजय गांधी अस्पताल डॉक्टरों ने ड्रामा सेंटर रेफर किया। परिवार में मौके पर एसडीएम अमेठी मुंशीगंज एसओ संजय गांधी से दोनों बच्चों के शव को पुलिस पीएम के लिए अपने कब्जे में ले लिया। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। ये जो बच्चे दबे हैं, कितने बच्चे हैं? ये तीन बच्चे हैं। तीन बच्चों में तीनों घायल हैं? तीनों घायल हैं। क्या नाम है सुल्तानपुर जो रिफर किए हैं? ये अभी डॉक्टर साहब देखने क्या पता है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम नहीं, तीनों में से पता नहीं कौन सा बच्चा है। अच्छा अच्छा, बता रहे। क्या कोई घर बच्चे कुछ सूचना मिली कि नहीं मिली? बच्चे की अभी कोई सूचना नहीं। सब हॉस्पिटल, ये संजय गांधी हॉस्पिटल है, इतना बड़ा, ये इसमें सारा इलाज कराना चाहिए। सब वोटों के लिए करते हैं। किसी भी गार्जियन को संजय गांधी अस्पताल में नहीं जाने दिए, न तो किसी बच्चे को देखने दिए। गांव के किसी भी गार्जियन को, माँ बाप को भी नहीं जाने दिए। ये भी माँ बाप को नहीं जाने दिए, बच्चे को कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या क्या पता। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे स्मृति ईरानी, सब लोग वोट मांगने आते हैं। ये संजय गांधी हॉस्पिटल में सारा इलाज उपलब्ध कराए। सर, खराय खेमा में एक मामला हुआ है, दीवार गिरने से बच्चों की मौत। ये प्रकरण ये है कि आज बारिश के कारण एक कच्ची दीवार वो दीवार गिर गई, बगल में बच्चे खेल रहे थे। जो घायल है, जिसका इलाज हो रहा है। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।